ये देखिए वो टैब, जो टैब आज जिसमें बजट कैद है, निर्मला सीतारमण वहां पर पहुंची हैं और उनके साथ वित्त राज्य मंत्री भी मौजूद हैं और वो टैब दिखाते हुई, क्योंकि इसी से आज बहुत सारी चीजें इस पिटारे से निकलने वाली, इस टैब के पिटारे से, जब सदन पटल पर निर्मला सीतारमण सातवीं बार बजट रखने वाले हैं तो अपने अधिकारियों के साथ और वित्त राज्य मंत्री के साथ निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री सातवीं बार बजट पेश करेंगी। एक वित्त मंत्री के तौर पर पांच बार उन्होंने पूर्ण बजट रखा, एक बार अंतरिम बजट और इस बार फिर एक बार पूर्ण बजट रखने की तैयारी में, चेहरे पर मुस्कान लिए हुए। अब ये मुस्कान बाकी देशवासियों के चेहरे पर आता है या नहीं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन वो टैब दिखाते हुए जिससे आज बजट रखा जाएगा सदन पटल पर, इसमें से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। ये लाल कलर का वेलवेट का पूरा टैब है, ऊपर का कवर है और इसके अंदर वो टैब जिसमें से बजट निकलने वाला है, तो वो दिखाते हुए मीडिया को। अनूप जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि देखिए मोदी गवर्नमेंट ने हमेशा से कड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, बजट भी इसी की रूपरेखा है। आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जाए, उसे जब रखा गया उसमें कुछ प्लस चीजें थी, कुछ माइनस चीजें थी, उसको बैलेंस करते हुए आज का ये बजट हम देख सकते हैं। देखिए आपको बता दूं कि आज के बजट से पहले आपको इस बात पे ध्यान देना होगा, जब पिछली बजट जब निर्मला सीतारमण पेश कर रही थी तो कहीं ना कहीं उन पर दबाव जरूर रहा होगा क्योंकि वो चुनावी साल का बजट था, लेकिन ये दबाव कहीं ना कहीं बजट में देखने को नहीं मिला। कोई आपको लोक लुभावने फैसले देखने को नहीं मिले कि ये चुनावी साल है, वोट लेना है तो ऐसे में कोई ऐसा फैसला लिया जाए जो तत्काल प्रभाव से लोगों को आकर्षित करता हो। लेकिन उस वक्त में भी विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है उसी की रूपरेखा पिछले बजट में देखने को मिली। तो जाहिर सी बात है कि इस बार सरकार बन चुकी है, 5 साल के लिए एनडीए की सरकार रहने वाली है, तो ऐसे में ये इस पर भी कोई बहुत ही रेवड़ी वाला बजट आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक ठोस बजट देखने को मिलेगा जिसमें 5 साल की आगे आने वाले 5 साल की रूपरेखा देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो विकसित भारत संकल्प 2047 लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं उसकी रूपरेखा देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए सूत्र बता रहे हैं कि जो टैक्स एग्जेंप्शन है उसमें कहीं ना कहीं जो छूट का दायरा है उसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, इस पर विचार चल रहा है। कहीं ना कहीं कर्मचारियों को, जो मिडिल क्लास लोगों को अगर थोड़ी राहत दी जा सकती है तो वो सरकार इस बजट में दे सकती है। बिल्कुल, और अनूप जी देखिए हमें और आपको भी इसका इंतजार रहता है कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव हो, और मिडिल क्लास तो ये चाहता है कि स्लैब में कुछ बदलाव आए ताकि कुछ पैसे बचे तो उनकी जेब में जाए। और जब वो टैब दिखा रही थी जिसमें बजट था तो निर्मला सीतारमण के चेहरे पर एक मुस्कान थी, और हम भी मान के चले कि शायद ये मुस्कान आज हमारे और आपके चेहरे पर भी आए। नहीं बिल्कुल, सबको इंतजार होता है। जाहिर सी बात है कि एक और भी चीज है, जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को जो एनपीएस स्कीम है, पेंशन स्कीम है, उस पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो होम लोन जो आप टैक्स देते हैं उसका जो स्लैब रखा गया है अभी 2 लाख, उसको बढ़ाने का भी फैसला सरकार ले सकती है। क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था अभी पटरी में है, तो ऐसे में सरकार लोगों को जितना राहत दे सकती है, जितना संभव है उतना राहत देने में किसी तरह की कोताही जो है वो सरकार की तरफ से नहीं की जाएगी। लेकिन वो इस कीमत पर होगी कि किसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या किसानों के लिए जो योजनाएं चल रहे हैं या हेल्थ के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उसका विस्तार देखने को मिलेगा। वहां किसी तरह का समझौता जो है वो सरकार किसी भी तरीके से नहीं करने जा रही। बिल्कुल, तो सरकार किसी तरह से समझौता नहीं करने वाली है, क्योंकि अगर विकसित भारत आपको बनाना है तो उसके लिए आपको एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है। उद्योग हो क्या, या फिर खेती किसानी हो या फिर बाकी चीज हो। लेकिन अनूप जी एक बात और है, चूंकि रोजी रोजगार को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे, जो युवा हैं वो अच्छी नौकरियां पाना चाहते हैं और इसके लिए सरकार कोशिश भी कर रही है कि अगर आपको बेहतर भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है, तो आपको नौकरियां भी जनरेट करनी पड़ेगी। तो ऐसे में हम ये मान के चले कि चाहे वो छोटे सेक्टर हो, बड़े उद्योग धंधे हो, एमएसएमई हो, हर में सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न हो, जिससे युवाओं को फायदा पहुंचे।
बिल्कुल, अगर आप पिछले 3 सालों का ही आप अगर लेखा जोखा देखें तो सरकार का फोकस जो है वो रोजगार सृजन करने से ज्यादा कैसे लोग रोजगार में किस तरीके से रोजगार उत्पन्न करें उस पर ज्यादा फोकस है, यानी कि रोजगार देने वाले कैसे बने उस पर ज्यादा जो है सरकार का फोकस रहा है। तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और तमाम चीजों को कर करके रोजगार का कैसे सृजन किया जाएगा इस पर जरूर इस बजट में भी फोकस रहने वाला है। और हमने देखा है कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए लगातार सरकार जो है वो काम कर रही है, जिस तरह से उन्होंने इंसेंटिव स्कीम वो लेकर के आए कि कहीं ना कहीं छोटे रोजगार जो है बढ़कर सामने आए, तो ये तमाम चीजें जो है आपको इस बजट में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की बात की जाए, चूंकि बात हो रही थी कि देखिए आप खुद रोजगार देने वाले बनिए, प्रधानमंत्री ने भी इसका कई बार जिक्र किया है अनूप जी, और उन्होंने कहा कि देखिए एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर स्टार्टअप इंडिया हो, इस तरह के बहुत सारे विजनरी आइडियाज मोदी सरकार की तरफ से दिए गए, तो ऐसे में हम ये मान के चले कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है या सेक्टर है उस पर जोर रहेगा, फोकस रहेगा, ताकि इस तरह से रोजगार परक संभावनाएं आगे आने वाले दिनों में भारत में देखने को मिले, लोग अपने पैरों पर खुद खड़े हो पाए, और जो एक चाइना की इकोनॉमी से हमेशा भारत की इकोनॉमी कहीं ना कहीं रिलेट करती है, तो वैसी इकोनॉमी बनने की दिशा में हम आगे बढ़ते हुए अपने आप को देख पाएंगे इस बजट में। देखिए आपको एक बात बताऊं कि सरकार इस बात को जानती है कि भारत में मैन पावर जो है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर FDI को और आकर्षित किया जाता है तो रोजगार अपने आप सृजित होती है। जिस तरीके से पिछले हमने 10 सालों में देखा कि सरकार ने एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, इस किस तरीके से वहां के जो कंपनी है उसको आकर्षित किया है, तो एक तरह से जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे कि लोग किस तरीके से रोजगार सृजित करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, देखिए विपक्ष लगातार जरूर इस बात को लेकर के जरूर सवाल खड़ा करती रही है कि इस सरकार में रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से तमाम विदेशी कंपनियां भारत में आई है ये भारत की पॉलिसी, केंद्र सरकार की पॉलिसी रही है, एक फ्लेक्सिबिलिटी रही है जिसकी वजह से लगातार FDI आकर्षित हो रही है, लगातार कंपनीज यहां पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से रोजगार बहुत बढ़ा है, रोजगार के साधन बढ़े हैं। और देखिए जब एक कंपनी देश में आती है तो कई तरह की सब्सिडियरीज जो व्यवस्थाएं हैं, रोजगार है, वो भी सृजित होती है देश में, जिसका सीधे फायदा जो है वो यंग जनरेशन को मिलता है। इस पर सरकार का जो फोकस है वो लगातार है